शरीर को मजबूत बनाना है, कुपोषण और रोगों से लड़ने के लिए नई ताकत जगाना है और इसका शपथ दिलाने के लिए मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे जितने भी साथी हैं उन्हें ये शपथ दिलाएं ताकि हमारा छत्तीसगढ़ सुपोषित रहे। शपथ ग्रहण के पहले राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अवसर पर पोस्टर का विमोचन माननीय अतिथियों के कर कमलों से यहां पर हो रहा है, आप सभी देख सकते हैं, और इसके पश्चात शपथ पत्र का वाचन होगा। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अवसर पर पोस्टर का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचस्थ सभी सम्मानित अतिथियों के कर कमलों से, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का यहाँ पर पत्र वाचन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और आप सभी से आग्रह है कि अपने स्थान पर खड़े होकर आप सभी शपथ लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, वे शपथ पत्र हम सभी के लिए पढ़ेंगे। दर्शक दीर्घा में हाँ। जितने भी साथी हैं सब खड़े हो जाएं। हम लोग पोषण माह मनाने जा रहे हैं और आज उसका शुभारंभ हो रहा है, तो सबको शपथ लेना है अपना दाहिना हाथ सामने करके, और मैं बोलूंगा उसके पीछे आप लोगों को दोहराना है। मैं शपथ लेता हूं कि सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सही पोषण का संदेश हर घर तक पहुंचाऊंगा। समाज में मेरे आसपास कोई भी कुपोषित न रहे, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक वहन करूंगा। मैं समाज में बच्चों के पहले सुनहरे 1000 दिन, अनीमिया की रोकथाम, पोषण विविधता, स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति व्यापक जन जागृति हेतु यथासंभव प्रयास करूंगा। मुझे स्वीकार है कि सही पोषण हम सबकी जिम्मेदारी है और इस दिशा में मेरे द्वारा बढ़ाया गया हर एक कदम पूरे समाज में पोषण की नई लहर लेकर आएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जो अपना स्नेह हम सब पर लुटा रहे हैं, अब बारी है उन्हें सुनने की। इतना भव्य आयोजन, इतना खूबसूरत आयोजन और जो ममता की प्रतिमूर्ति है ऐसी हमारी मंत्री महोदया, मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ उद्बोधन के लिए श्रीमती लक्ष्मी राजवाणी जी, मंत्री महिला एवं बाल विकास को उनके उद्बोधन के लिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। महिलाओं से खासकर निवेदन, क्योंकि आज ये त्योहार महिलाओं की है, आज हम सब अपने बड़े भैया के घर आए हुए हैं, मायके में आए हुए हैं, तो ऐसा लगे कि महिलाएं अपने बड़े भैया के घर आए हुए हैं तो आवाज भी जोरदार निकलनी चाहिए।
बोले छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय जय श्री राम। आज के इस तीजा पोरा महतारी वंदन तिहार में हम सबके बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्मान्य विष्णुदेव साय जी, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए। सभी माताएं बहने, हम सबके बीच में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, मंत्री सम्मान्य केदार कश्यप जी, मंत्री सम्मान्य टंकराम वर्मा जी, हम सबके बीच में उपस्थित रायपुर लोकसभा के सांसद सम्मान्य ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, इस मंच पे उपस्थित संगठन महामंत्री सम्मान्य पवन साय जी, यहाँ पे उपस्थित सम्मान्य जांजगीर चांपा के सांसद हमारी कमलेश जांगड़े दीदी जी, यहाँ पे उपस्थित सम्मानी राजेश मुड़त जी, सम्मानीय विधायक पुरेंद्र मिश्रा जी, सम्मानीय विधायक इंद्र कुमार साहू जी, सम्मानीय विधायक मोतीलाल साहू जी, सम्मानीय विधायक अनु शर्मा जी, सम्मानीय विधायक खुशवंत साहेब जी एवं प्रदेश की अध्यक्ष महिला मोर्चा शालिनी राजपूत जी एवं इस मंच पे उपस्थित समस्त मंचस्थ अतिथिगण और इस तीजा पोरा के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त हमारे माताएं बहने, हमारे भाईगण एवं मीडिया के सभी बंधुगण, मैं आज इस तीजा पोरा के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निज निवास में तीजा पोरा त्योहार मनाने के लिए एवं महिलाओं को जागृत करने के लिए तीजा पोरा महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के सभी बहनों एवं माताओं के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति तीजा पोरा त्योहार को बहनों के लिए कितने अच्छे तरीके से मनाने हेतु हम मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज तीजा पोरा के अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने महतारी वंदन योजना की सातवीं किस्त की राशि भी हम माताओं बहनों के खाते में प्रदाय किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा के अनुरूप प्रदेश में महतारी वंदन योजना को लागू करने से प्रदेश की महिलाएं निश्चित रूप से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं एवं बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। इसके लिए प्रदेश की समस्त बहनों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को गरीब परिवार की बेटियों के लिए इतना लगाव है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्रावधान से संशोधन करते हुए 1 अप्रैल से कन्याओं के विवाह के दौरान वर वधु को 35,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट चेक का प्रदान किया गया है, ताकि वर वधु अपनी आवश्यकता के अनुसार गृहस्थी की सामग्री क्रय कर